क्योंकि एक अपनी जबान से दूध पीती है, नमाज पानी पी के ऐसे ट्राई करी कि मजा आता है कि नहीं आता। बहुत अलग लगता है, नॉर्मल वो वाला ट्रीट नहीं खाने लेकिन हिकअप की। अच्छा ये तो फिर भी ठीक है ट्राई करके। ब्लॉगिंग सर आप क्यों इस तरह लेटे हुए हैं? हिकअप लेटी थी मेरे पास में लेटी। सनी ट्राई। मैं पागल नहीं हूं। सनी प्लीज। पागल हूं? सनी करो तो सही। मैं इंसान हूं। मैं मजाक कर रहा हूं। इंसान पे देखिए। मजा आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। बता रही हूं। उसकी जिंदगी एक्सपीरियंस तो करके देखो थोड़ी सी। जिंदगी एक्सपीरियंस तो करके देखो थोड़ी सी। किसके मुंह में दूध कैसे फंस रहा है? मुझे नहीं समझ। आदत है, आदत है। आदत है मैं बता रही हूँ ना, मैंने ट्राई किया है। आदत है। तुम देखो इसकी तरह गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, मेरी गंदी बच्ची। उसको पकड़ने के लिए पूरी डाइव। Assalamu alaikum everyone and welcome to my vlog the number 23. I welcome you guys to my unedited and unfiltered life. और मुझे लग रहा है जैसे जैसे रोज़े बढ़ते जा रहे हैं उस तरह ज़्यादा गर्मी होती जा रही है, और ईद के ऊपर आई डोंट नो क्या हाल होने वाला है। हर दिन से पहले मैं ये सोचती हूँ, मुझे लगता है कि जो मेरे कल का दिन है वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा, बल्कि वो और ख़राब होते जा रहा है। मैं और लेज़ी होती जा रही हूँ दिन ब दिन, और इट्स नॉट जस्ट मी, एवरीबडी अराउंड मी फील्स द सेम वे कि जैसे जैसे ज़्यादा दिन हो रहे हैं और गर्मी हो रही है और बुरी हालत हो रही है और रोज़ा लग रहा है सबको। सो यस, अभी वी आर गोइंग आउट यहाँ पे फैसला हॉल में, देयर इज दिस बर्गर एंड फ्राइज वाला शेख। तो वी इट्स नॉट लाइक अमेजिंग बट इट्स गुड, और वहाँ पे बैठ के खाने का मज़ा आता है। आई रियली लव जहाँ आप गाड़ी में बैठ के खा सको, बाहर बैठ के खा सको, सो ऐसी जगहें आर लाइक माई फेवरेट। सो मैं दो चार दिन से आई वॉज क्रेविंग बर्गर एंड फ्राइज, सो आई थॉट दैट वी वुड गो टूडे एंड हैव देम। सो लेट्स गो। नवाज बहुत ही फनी। ठीक है, मैं साथ ही अलीशा ने टोन चेंज कर लिया है। साथ ही अलीशा ने टोन चेंज कर लिया, मुझे मेरा दुपट्टा चाहिए, मुझे मेरा दुपट्टा चाहिए। और जैसे ही पता लगा कि हाँ रिकॉर्ड है, मुझे मेरा दुपट्टा दे दे मुझे। ओह माय गॉड, जस्ट सो आमिर लियाकत। अगर किसी को आमिर लियाकत पसंद होगा तो वो हो जाएंगे, ऑफेंड हो जाएंगे। आपको अगर आमिर लियाकत पसंद है ना, कहती है कि मुझे भी आई ऑल्सो लाइक आमिर लियाकत। हाँ मतलब कि बस ठीक है, कुछ नहीं होता अगर किसी को पसंद है, बेचारे का क्या कर सकते हैं। हमने शेख का बर्गर फ्राइज खाने थे बट वो बंद है। वो इसके अंदर शिक्षक की शक्ल बनी थी, इसकी कूल लग रहा था ऐसे किसी की। हम ब्रिलो आ गए, वी हैव नेवर ट्राइड दिस, सो लेट्स सी के मतलब कि अल्लाह करे अच्छा हो। लिटरली
जो भी बेसिकली हमारे ऊपर लाइट आ रही है उन्होंने बंद कर दी. फाइनली उनको समझ आ गई. तो मैं कहना चाह रही थी कि प्लीज़ जब अपनी हेडलाइट्स आप पूरी ज़्यादा करते हैं तो किसी का ख्याल क्या करें कि पीछे से भी आपको बैक मिरर में आंखों पे पड़ी होती है. अनटेलर्स आपको ज़रूरत नहीं है और मोस्टली हर का ड्राइवर करते हैं. क्या आप नॉर्मल जा रहे हो, आप क्या कि गाड़ी आपको अपनी फुल लाइट्स करने की क्या ज़रूरत है. सही बात है ना निशा, मैं हमेशा सही बातें करती हूँ. लोग समझते नहीं है, बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं यू नो मुझे. ड्राइवर नहीं लग रहा कोई भी अंकल है, मतलब उनको आई थिंक रियलाइज हो गया क्योंकि हमारी शक्ल ऐसी बननी थी कि आप बिल्कुल सामने आए हो, मेरी हेडलाइट सब कुछ बंद है, मैंने गाड़ी पार्क की हुई है और आप मेरे आगे पार्क करके फुल लाइट्स कर रहे हो और आपको पता है कि उसमें लड़कियां बैठी हुई हैं. प्लीज थोड़ा ध्यान क्या अंकल. आई नो मुझे व्लॉग देखे तो प्लीज आई नो मुझे मोस्टली लड़कियाँ देखती है, तो प्लीज आप अपने जो भी ड्राइवर्स हैं या जो भी आपके ड्राइव करते हैं भाई और उनको प्लीज समझाया करें. चलो वो तो आ रही है, अगर वो पार्क करेगी तो वो तो आ रही है. लाइट फ्रॉड उसने बंद कर दिया. उन्होंने बंद कर दिया जैसे बेचारे अंकल देखे बूढ़े अंकल10:30 और अभी आई विल एंड दिस व्लॉग एंड देन एडिट इट एंड अपलोड इट. और अभी हम सोच रहे हैं, आई एम स्टिल डिबेटिंग इफ आई वांट टू मेक सैरी टुडे. क्या होता है कि हम रोज़ सेम वही सैरी खा के हम लोग बोर हो गए थे, तो वी थॉट कि आज वील मेक समथिंग डिफरेंट सो दैट यू नो वी कैन एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू सैरी. क्या होता है कि हम पहले कुछ अच्छा वगैरह या ऐसे कुछ इधर उधर से स्नैक्स खा लेते हैं और फिर सैरी के टाइम पर हमें होता है कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है, तो बेसिकली हम नखरे करते हैं. तो वी थॉट कि हम अपने लिए कुछ बनाते हैं, बट मैं ये भी सोच रही हूँ कि हसान सैरी पे नहीं होंगे, सो मुझे है कि जिस दिन वो हो उस दिन हम सैरी बनाएं, कुछ अच्छा बनाएं. सो आई एम स्टिल हैविंग दिस कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ दैट इफ आई शुड मेक समथिंग और नॉट, और इफ आई शुड हैव जस्ट द नॉर्मल रोटी एंड सालन जो भी बनाएं. और क्या है कि हमारे यहाँ पे घर पे कोई खाना नहीं खाता है, हम लोग सिर्फ इफ्तारी करते हैं और अगले दिन सहरी करते हैं, तो जो सालन है वो हमारा एक दिन, एक सालन जो होता है वो अगले दो दिन चलता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा बोर हो रहे हैं कि हमें होता है कि कल भी हमने सालन खाया था, आज भी हम ये खा रहे हैं. सो यस दैट्स लेट मी नो आपके घर में कैसे सहरी करते हैं आप लोग भी. अंडा ऑमलेट के लिए पराठा ऑमलेट खाते हैं, हसान पराठा ऑमलेट खाते हैं या पराठे के साथ के सालन खाते हैं. मैं कोई पराठा नहीं लेती, मुझे आई प्रेफर रोटी. सो लेट मी नो कि आप क्या लेते हैं. हाँ, मैं पिछले 3-4 दिनों से फीनियाँ खा रही हूँ, आई लव फीनियाँ. सो आई एम गोइंग टू एंड माई व्लॉग हेयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइस टुमारो.